प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सहि ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडौतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नर आकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेसुन्धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम, बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम, ग्रीव दो सुमर सिद्ध होई, गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गण नायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं, आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम, सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे, पूजें आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय धावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे, तेतीस कोटि अदारा जावे से अठासी, उतरे भव जल पारा कट यम की फांसी, तेतीस कोटि अदारा जावे से अठासी, उतरे भव जल पारा कट यम की फांसी, सत साही कर जोरू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम, इब के सत गुरु मिले सब दुख आखों रोए,
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो करनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहु पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक बड़े विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सुमार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, झांखे चौवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सुख। बंदे तू कर बंदगी, जे चाव दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबारी। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटी। राम रटत कोड़ी बलो, चू चू पड़े जो चाम, भाई सुंदर शरीर किस काम का, जय मुख माही ना नाम। राम रटत कन्या भली, सकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना, जिसम दूध न मूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाहु अकबर,
हक्का कबीर है, वो अपने सतलोक को त्याग करके इस काल के लोक में आते हैं और परमात्मा अर्थात अपने पाने के लिए ही जो यथार्थ विधि है, यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसकी जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही हमें बताने आते हैं। वो परमात्मा क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्मा परमात्मा ने आकर के ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, कबीर सागर लिखा है, कबीर शब्दावली बनाई है, ना जाने कितने प्रकार से इस अज्ञानी जीव को समझाने की चेष्टा की है, परंतु हम इस काल के लोक में इतने रच चुके हैं कि हम ना भय मानते हैं, जैसे शराबी व्यक्ति होता है जिसने नशा कर रखा होता है, वो चाहे रेल के सामने खड़ा हो जा पटड़ी पर तो भी उसको कहते रहेंगे भाई इधर होले मरेगा तू, सामने से ट्रेन आ रही है, तो वो क्या कहता है, वो सुनता ही नहीं, कानों पर घटाल देता है। तो हम आज इस स्थिति में हो चुके हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, परमात्मा का सीधा संविधान आपको बताया जा रहा है, फिर भी वह को नहीं, फिर भी डर नहीं। वह डाक के तीन पात हमारे रहते हैं, सत्संग सुनते समय भी हम अगर भयभीत नहीं होते, तड़फ नहीं बनती, कसक नहीं होती, भय नहीं बनता शरीर में, तो हम पत्थर हो चुके हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अभी नशा शेष है। तो उसको ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तभी तो ये नशा हमारा समाप्त होगा जो काल ने हमारे इंजेक्शन लगा रखे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़ कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़ कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहां से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने, वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहां बैठ करके समाप्त कर लेते हो, जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहां रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहां कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती है। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, समझदार अपने आप ही वहां से चल पड़ता है, और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा है, या तो और जमा कराइए, नहीं यहां से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है, तो वहां जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आगे बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे, पुण्यात्माओं यहां कोई भी नहीं था, मैं काम करूं, हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे, शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है, और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं, तो हम यहां जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, वहां दुख है, लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है।
हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले, ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहां जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो, इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहां रहोगे, एक हफ्ता रहो, दो दिन, चार दिन, तो यहां हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की, सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था, 18 लाख आदमी आगे चूल्हे वो क्या ना भोजनालय बनाने लग गया, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बनाया बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर, तो वहां बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहां फल यहां से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहां करते हैं। जैसे हम यहां शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे, लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सुरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है, इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ा है, इसलिए यहां कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहां कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पड़ा, वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें दो मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता, कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, दो पैसे अच्छे मिलेंगे, तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपए प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500-600 रुपए, 700 रुपए बन जाते हैं, 800 रुपए। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है, और साथ में वो ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर
टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से प्राप्त होना, पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, एक टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक निर्वाह हो जाएगा। तो उस कारण से उस जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं, वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पर कटाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुपमा बीड़ी पी रहा, तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे, परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, ग्रस्त जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा या क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है, और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर, तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है, अब रो रहा है वो। तो परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बनकर ऊपर न मुंह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। पुण्यात्माओं, हम अपने पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं, और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया, एक मकान ठीक बना लूंगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूंगा, उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे, सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है, और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जो भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को,
और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है, उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उसे कोई काम नहीं लेते। तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है। और पुण्यात्माओं, हमने तो इस काल के जाल से निकलकर सतलोक जाना है, उसके लिए हमने कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में पैसा भी लगाते हैं, उससे कोई कार्य भी नहीं लेते हैं, ताकि ये बच्चा मेरा सुखी हो, पढ़ लिख कर अपना शिक्षा ग्रहण कर जाओ, उद्देश्य यही होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने समय भी निकालना पड़ेगा, दो पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस काल के जाल से छूट सकेंगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंदूरत नागर। अब कितनी मार्मिक वाणी है परमात्मा की, अगर इंसान जरा सा भी सचेत है और परमात्मा चाहता है, ये जो वाणी परमात्मा की एक ही सुखी सेंट है उसको पर्याप्त है, इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है ये, और मन को सेट करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। क्या बता रहे हैं कि मन तो चल रहे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, शब्द का अर्थ होता है शब्द जो कानों को प्रिय लगे, अर्थात यहां तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल दे, को सासू लड़े, कदे रणद लड़े, कदे जेठ, कदे भाई, कदे फलाना, कोई न कोई कड़वापन, कोई शब्द से वचन से ज्यादा दुखी होते हैं इंसान। और शब्द का वास दूसरा अर्थ होता है अविनाशी। तो वहां जहां हम जाएंगे वो सिंधु यानी सागर है, शब्द अविनाशी, अविनाशी तव का यानी अविनाशी तत्व वहां ही हमें प्राप्त होगा। सिंधु रत्नागर, रतन आगार, आगर माने आगार, आगार माने खान डिपो, जहां शब्द सिंधु रत्नागर सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई ही। शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, यहां पर जैसे हमने कभी कभी इतना निर्मल आत्मा बन जाती है, आत्मा इतना, मन इतना हल्का हो जाता है कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना किसी से द्वेष रहता है, सभी अपने से लगते हैं, चाहे शत्रु भी क्यों न हो। लेकिन ये लहर बहुत ही पुण्यात्माओं में और कभी कभी आती है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, क्योंकि यहां इतनी भी बहुत मुश्किल से आ पाती है। यहां तो कहर तोड़ रखा काल ने,
हमारे ऊपर दुखों का, दुखों की मूसलधार वर्षा कर रखी हमारे ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। जो मेहर की लहर यहां अक्षिणिक थी तो उसके जाने के बाद फिर वही कहर की लहर, राग द्वेष अंतरी खिचड़ खाना बहुत ज्यादा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ये नुकसान हो गया, किसी ने किसी चीज की चिंता है, किसी ने देने की चिंता है, किसी से ले रखी है संपत्ति, कोई धन ले रखा है, किसी ने देने की चिंता है, तो किसी ने लेने की है कि वो दे नहीं रहा, तो इस प्रकार के कहर की शंखों लहर टूट जाती है। और सतलोक के अंदर वो जो मेहर की लहर आई थी, ऐसी शंखों बेगिनती की असंख्य, तो उसमें जो आनंद आता है आत्मा को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कितना सुख होता है। तो ऐसा सुख सतलोक में सदा ही बना रहता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, अचल ध्रु अर्थात कभी डगमग न होने वाला, सुख का सागर सोई, वो सुख सागर है। उसके लिए परमात्मा कहते मन तू चल रहे उस सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रहे। अब ये ऐसा शब्द है जब मैं आपको सुनाता हूं तो मेरा कलेजा भी बाहर को आने लग जाता है, उनको पता नहीं कितना असर होता है, क्योंकि जिसका जितना भी बुखार उतर जाएगा, जिसका भी जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही ये ज्ञान आत्मा में दृढ़ता के साथ समाएगा और विशेष कसक बनेगी, कुछ डर सा बनेगा। और जिनके अंदर इसका डर नहीं बनता, ये बात जो परमात्मा का विधान, परमात्मा के बताए वचन आपको सुनाए जाते हैं, इनका भी असर नहीं होता, वो तो पत्थर हो चुके हैं, उन पत्थरों को भी यहां नरम किया जाता है सत्संग रूपी जल में डाल के। तो जो सत्संग में आएगा तो नरम भी होगा, और जो आएगा ही नहीं तो उसमें असर कैसे होगा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो चुका है, जो थोड़ा मैला है उसको तो थोड़े साबुन पानी लगाने से वो चमक जाता है, और ज्यादा मैला है कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है उसको भी निर्मल करने का, साबुन और पानी। तो सत्संग रूपी जो वचन है ये साबुन और पानी दोनों का काम करें, और फिर उसके ऊपर जैसा रंग हम चाहेंगे वैसा रंग रंग देंगे, क्योंकि पहले साफ किया जाएगा। तो इब कितनी बार ये बताए जाते हैं यही ज्ञान है, और आपको कितना असर होता है, आप इस पर कितना अमल कर पाते हो, उतना ही आपका रोग कम हो चुका है। जितना आप तड़फते हो परमात्मा के लिए, ठीक है कोई व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि काल ने हमारे कई प्रकार के बंधन बांध रखे, और उन बंधनों के बंधा हुआ भी वहां तड़फता है, वो बंधन भी तोड़ देता है परमात्मा, लेकिन हम कसक नहीं बनाते, हम कुछ तो थोड़ी सी मजबूरी कुछ अब डिले उठ छोड़ देते हैं, डिले गोड्डे छोड़ देते हैं, इस पर तो गए थे सत्संग में, अगले हम देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो अगले में देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जो इतना कुछ लूज हो जाते हैं, फिर काल और ज्यादा उनको खींचना शुरू कर देता है। विशेष मजबूरी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मजबूरी में भी आत्मा सत्संग में पड़ी रहनी चाहिए, और फिर देखना रंग परमात्मा के, क्योंकि भगवान आत्मा का साथी है, मन का नहीं है, मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो अपने के लिए आदमी कोई भी है अपने की तरफ ही खींचता है,
तो मन बकवाद करता है, मन ही सात्मा को बलोकर यहाँ पर भ्रमित करके रखे हुए है, उलझाए बैठा है। आगे भी फिर ये टांग अड़ाता है, सत्संग में फिर देखेंगे, अभी तो देखेंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसे अग्रम अग्रम नहीं चलती भक्ति के लिए। जब हम तड़फते हैं परमात्मा पाने के लिए, ऋषियों ने तो घर त्याग दिया, राज छोड़ दिया उन राजाओं ने, और परमात्मा का मार्ग तो कुछ भी छोड़ने का कोई ना राज छोड़ने का, केवल कुछ समय काम छोड़ने का, कुछ समय। जिस काम को हम करते करते थक लेते हैं और फिर भी पूरा ना होता, और फिर भी कोई ना कोई हानि होती ही रहती है, फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं, हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमें बरकत दे, हमारे घर में लाभ हो, तो हम पहले ही उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, उनके उसके साथ अटैच हो जाएं, तो फिर उसकी पावर आप ही आपको लाभ देना शुरू कर देगी। हम फिर अपने में शाने बनते हैं, अपने ही प्रयत्न से हम ज्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं या फिर गलती कर जाते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मां के पेट में भी आपकी परवरिश परमात्मा ने की थी, वहां ना कोई मां संभाल सके थी ना पिता, और ना ही तेरा कोई अपना प्रियतन तुझे खान पान दे सके था, तो वहां किसने किया? परमात्मा ने। कहते हैं बिना उदर बीज पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में भी तेरी परवरिश की उस परमात्मा ने, बगैर किसी आहार के, यानी मां का दूध नहीं था वहां। और उस परमात्मा को इतनी चिंता कि जब तुम बाहर आए, मां के स्तन में दूध इतना दे दिया कि पीवा और जूठा छोड़ रहा है बच्चा, और बच्चा उत्पन्न होने से पहले एक ड्रॉप भी दूध का नहीं होता, हम फिर भूल गए, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं, हमें तो ये शिक्षा ये ट्रेनिंग मिली है, कर ले काम धंधा कर, है उसने उसके लड़के ने इतनी कोठी बना ली, उसने कार बढ़िया ले ली, तो हमारे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से ही, हम केवल माया जोड़ने की तरफ ही पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो माया भी ना जुड़ती, वो माया भी उतनी ही मिलती है जो मस्तिष्क में लिखी होती है, ज्यादा हम इधर उधर से करके प्राप्त करते हैं, वो माया फिर कहीं डॉक्टर के ऑपरेशन में या कोई चोरी कर ले जाएगा या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो जागी सारी की सारी। जो भाग्य में नहीं है वो रहनी नहीं, और हम दो नंबर का धंधा करके कमाते हैं उसको, वो पाप इकट्ठे करते हैं, वो पाप तो रह जाते हैं लेकिन वो माया नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पात्र में इससे अधिक नहीं आ सकती, पात्र इतना है, वो ओवर फ्लो हो जाती है। हमारा भाग्य रूपी पात्र जितना बनाया है भगवान उतना ही देगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकेगी, वो तो पात्र नया मिलेगा। फिर आपको जो परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, विधिवत साधना करोगे, तो भगवान आपके मस्तिष्क में लिखी हुई रेखाओं को चेंज करेगा, आपका जो है उस किस्मत को बढ़ाएगा, बदल देगा। तो परमात्मा से ही हमें लाभ होना है। राजा लोग भी जब अपने प्रयत्न से थक जाते हैं, फिर संतों की तलाश करते हैं, किसी प्रकार मेरे राज्य में शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, लोग धनाढ्य हों, मुझे भी टैक्स अच्छा मिले। जब राजा भी परमात्मा की आस करता है तो हम मजदूर क्यों ना कर लें? भाव ये है कहने का कि भगवान ही हमें सब कुछ देने वाला है, और हम उसकी पावर से दूर होकर के स्वयं प्रयत्न करके कितना कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हम पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे घुमा घुमा के, पहले था ऐसे काटते थे हमारे पूर्वज, फिर हमारे समय में हाथ से चला करके एक चक्कर वाली कटिंग मशीन, हाथ से मैन हैंडलिंग बन गई थी, उसे बहुत सुविधा मिल गई थी। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, वो मशीन बन गई, यंत्र बन गया, अब बटन दबा दिया बिजली का और कट 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 आध घंटे में ढेर लगा देती है काट के, तो वो पावर प्राप्त होगी, उस पावर ने उस शक्ति ने हमें बहुत सुविधा दे दी, जो हम हाथ से करने में बहुत समय लगाते
और बहुत ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता था, तो उस पावर ने, उस शक्ति ने अर्थात बिजली ने वो बहुत ही आसान कर दिया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा की पावर प्राप्त कर लेंगे, वो कनेक्शन ले लेंगे प्रभु की पावर से, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे सब काम करना प्रारंभ कर देगी, जिसको हम नहीं कर सकते उसको प्रभु की पावर करती है, प्रभु की शक्ति करती है। तो वो विधि, वो पावर, वो कनेक्शन आपको इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से, यानी सतलोक आश्रम करौंथा और बरवाला से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य के पास कोई विधि नहीं है, उनके पास वो परमात्मा की पावर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सब व्यर्थ कर रहे हैं, बहका रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सबने कनेक्शन दे रखे हैं यही कह करके तुम्हें भगवान लाभ देगा, लेकिन किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सभी दुखी हो रहे हैं, इसलिए अशांति समाज में फैल चुकी है। विकार घर करते जा रहे हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में संतों के शिष्य भी हैं, उपदेशी भी हैं, सभी विकार करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा उनके पास नहीं रही। क्योंकि पहले श्रद्धालु जाता है कि मैं भक्ति करूं, मुझे भगवान से राहत मिले, घर में सुख हो, फिर आत्म कल्याण हो। जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो टेंशन बुलाने के लिए तो शराब पीता है, टेंशन समाप्त करने के लिए तो कोई नशीली वस्तुएं ग्रहण करने शुरू कर देता है, और धनी बनने के लिए चोरी और लूट, बेईमाना, रिश्वत लेना शुरू करता है। दोनों ही तरीके व्यर्थ हैं, ना तो उस तरीके से धनी हो सकता है और ना ही नशा करने से टेंशन समाप्त हो सकती है। टेंशन तो तब समाप्त होगी जिस कारण से टेंशन बनी है वो कारण ही निकले। कांटा लगने से पैर में दर्द हो रहा है और कांटा निकले बिना वो दर्द नहीं मिटे, चाहे कितनी दर्द की गोली खा ले, चाहे नशा करके पड़ा रहे, नशा उतरते फिर टेंशन, वो पैर का दर्द फिर तैयार है। तो वो कांटा निकले उसके बाद फिर वो दर्द, वो पीड़ा समाप्त हो, तो परमानेंट इलाज ये है। तो परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा, अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगी। और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी, तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे, ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं। याद दिला जाता है कि तुम कोट जन्म तन भर मत होगे और कुछ ना हाथ लग जाए। आपने देखा होगा बहुत इतिहास से पूरा पिछले, जो हम देख देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों व्यक्ति मर गए थे, और उन भवनों के अंदर जो तीन तीन चार चार मंजिल की बना रखे थे उन्होंने, मनमाने तीन पीढ़ी लग गई उनको बनाते बनाते धन इकट्ठा करके, और उन्हीं मकानों के नीचे दबकर सपरिवार, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो पुण्यात्माओं, यदि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें तो इस प्रकार की आपदाएं उस क्षेत्र में नहीं आएंगी। किस क्षेत्र में? जिसमें सभी पुण्य हो जाएंगे, सभी पुण्यकर्मी प्राणी हो जाएंगे। आप देख लो, जहां भी देखे हैं वहीं पर होटलों के ऊपर पूरे काटड़े के काटड़े टांग रखे होते हैं, बकरे के बकरे काट के टांग रखे होते हैं, कि तो मछली, कि तो मुर्गे, इतना जुल्म हो रहा है भगवान ने। और पुण्य करने का, जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, उनको पुण्य का मार्ग नहीं,
कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर गुरु भी पूरा चाहिए, पूरे संत के द्वारा कुपात्र को दिया हुआ दान फल नहीं। अब एक समस्या नहीं, इस प्राणी के सामने काल ने इतना अंधेरा कर दिया कि ये टक्कर मारता फिर रहा है। दान करना चाहता है, भंडारे करता है, बेचारा बहुत ऐसे ऐसे सदा व्रत चला रखे हैं, कई ऐसे पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से वो व्यर्थ है। क्योंकि इसकी गवाही, इसका साक्षी गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो जो परमात्मा का विधान तोड़कर हम कार्य करते हैं वो प्रभु से लाभ नहीं मिलता। और बाकी हम जो क्रिया करते हैं, जो हमारी किस्मत है, वो किस्मत में जब नहीं होता, हमारे अंदर आपत्तियां आती हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो हम फिर भगवान की तलाश में चलते हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो दो पैसे धर्म पे लगाना चाहते हैं, उनके की तो मंदिर मिलवा दे हैं। कहते एक मंदिर में करोड़ रुपए का बनाया है और उसमें लिख रखा है एक भगत ने दोनों 20 लाख रुपए दान किए, बताओ पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर से क्या लाभ होगा उस पुण्यात्मा को 20 लाख रुपए देने वाले को, वो तो कुएं में डाल दिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा की जो विधि ठीक नहीं है वहां दान किया हुआ व्यर्थ। एक तो दान यहां करे, वैसे तो बहुत से सत्संग आश्रम है जहां पर भंडारा चलता है और फ्री होता है, बहुत से ऐसे हैं जहां फ्री भी होता है, लेकिन वहां भक्ति को नहीं। अब धर्म तो एक ऐसे ग्लूकोज समझ लो, जो हम पुण्य करते हैं ये तो एक बीमार आदमी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है। अब जैसे जिस डॉक्टर के पास उस रोग को नष्ट करने की औषधि नहीं है और वो जाते ग्लूकोज तो लगा ही देते हैं, सभी लगा देते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो एक शरीर को मेंटेन रख सकता है, यदि रोग नहीं कटा तो वो ग्लूकोज भी व्यर्थ है, नहीं काम करेगा। तो उस जिस डॉक्टर पूर्ण सर्जन वही होता है, पूर्ण सही डॉक्टर वैद्य वही होता है जो ग्लूकोज भी चढ़ावे और साथ में उस रोग के समाप्त करने की, नष्ट करने की औषधि भी उसके पास हो। तो वो तरीका पूरा ना मिलने से तो डॉक्टर की बहुत बोर्ड लगा करके बैठे हैं वहां, उस रोगी को राहत नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो नकली संत हैं, अज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, वो इस जीव के शत्रु बन बैठे, क्योंकि ये वहां तक नहीं जाने देते जहां इसका पूरा ट्रीटमेंट होने का स्थान होता, उससे पहले ही कहीं बोर्ड लगा दिखा तो रोगी वहीं पहुंच जाता है। अब रोगी का क्या दोष बेचारे का। तो यदि ये नकली संत ऋषि ना होते तो सीधे ही परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, आज या भक्ति पूरे विश्व में होती और सभी सुखी होते। परमात्मा की तलाश हम सुख के लिए करते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे निष्कपट भाव से और मर्यादा में रहते हुए, तो घर में कोई आपत्ति आकर नहीं आ सकती, ना शरीर में कष्ट होगा, होगा तो हल्का होगा, जैसे कहते हैं सूली की सजा कांटे में टल जा, मृत्यु दंड हो छोटी मोटी टांग टूट कर बच जा, ऐसे तो हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा की ओट लेते हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेठ और अपने ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से और सब परिवार नष्ट हो जाते हैं। पीछे हरियाणा के दो मंत्री
मंत्री पद की शपथ लिए 15 दिन हुए होंगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, दोनों खत्म। अब ठीक है, पूर्व जन्म की जो पुण्य कमाई थी, पुण्य रूपी धन था, उसके कारण तो वो अच्छे घर में जन्म हुआ, माया उनको खूब मिली, मंत्री यानी राजा भी बने, और फिर खाली हाथ चले गए, अचानक चले गए। अभी तो बड़ी आशाएं थी उनकी, अब मंत्री बना हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सभी की होती है, और एक पल के अंदर अब क्या बनेगा, अब परमात्मा का विधान बताएगा वो क्या बनेंगे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति बिना यो राजा रस्य भो। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लद कुमार के फिर न्यार ननी रे कोई। वो राजा जो सत भक्ति नहीं करता वो गधा बने और फिर मिट्टी लदेगी कुमार के, घास भी बाहर चर के आना पड़ेगा उसको, वहां पर तो चारा भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि मालिक का विधान है। जैसे पहले जंगली लोग होते थे वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी, फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे और ना ही अन्य कोई दो नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं है तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे। कोटि जन्म तोय भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे। ओए कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी है। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी नवन की आशा। जैसे ये दो मंत्री जी थे और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी नवन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। जैसे अपने पुण्यकर्मों के कारण श्री नानक जी वाली आत्मा सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, बहुत ही पुण्यकर्मी थे, परमात्मा से डरने वाले थे, प्रजा उनके राज्य में बड़ी सुखी थी और स्वयं भी भक्ति क्या करते थे, जनता को भी भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं पुण्यकर्मों को स्वर्ग में समाप्त करके उसके बाद फिर कुछ शेष पुण्यों के आधार से वो राजा जनक बने, वही आत्मा। और राजा जनक के समय भी वो बहुत ही अच्छी भक्ति करते थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे। सुखदेव जैसे ऋषि जो पूर्व जन्म की साधना से सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे तो भी मोक्ष मार्ग नहीं था, स्वर्ग में रहने का उनका स्थायी निवास नहीं था, उस सुखदेव ऋषि ने भी राजा जनक जी से उपदेश लिया, इतने वो अधिकारी थे। और फिर राजा जनक वाले शरीर को त्याग करके स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके त्रेता युग में, अब कलयुग के अंदर वही आत्मा फिर श्री नानक जी के रूप में अवतरित हुई।
पहले तो राजा वो वही आत्मा राजा थी, नौकर खड़े रहा करते हाथ जोड़े, और वही आत्मा पुनः क्षीण हो जाने से फिर स्वयं श्री नानक जी सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां नौकर लगे। अब ये याद दिलाई जाती है, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तू राजा की ना मिटी नमन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम्या मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं कि एक एक समय घर को त्याग गए और जंगल में जा बैठे, एक बार जाकर नगरी से भिक्षा मांग लाए, जैसी भी रोटियां प्राप्त हुई उन रोटियों को सुखा लिया, एक बार ला करके एक या तो एक ही बार आहार किया, नहीं दो तीन दिन तक उस सूखे रोटियों को ही सुखा कर भिगो कर पानी में खाते रहते हैं। कई महात्मा ऐसे होते हैं संतधन जो परमात्मा की तरफ में घर छोड़ जाते हैं। अब देखो भगवान की आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति की चाह तो जब उसी समय लगी थी जब से इसको पता लग गया तू गलत स्थान पर आ गई, लेकिन काल भगवान ने इसको इतना अज्ञानी बना दिया, इतना अज्ञान भर दिया इसके अंदर कि अपने निज घर का ये स्थान ही भूल गई, वो ज्ञान ही समाप्त कर दिया। उसी को पाने के लिए ऋषिजन साधना करने के लिए जंगलों में जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो काल के ही जाल में पड़े रह जाते हैं और अपने द्वारा कलेक्टेड उस अज्ञान को अपने अनुभव से या किसी उससे जैसे अज्ञानियों से सुने हुए उस ज्ञान को सुन सुनकर और फिर वक्ता बन करके हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों को फिर गुमराह कर जाते हैं, वो दूना दुष्टी और बढ़ जाते हैं। काल तो एक विलियन है और इसको ये खलनायक समझो, इसने तो हर वो तरीका अपना रखा जिस युग का अजीब अज्ञानी बना रहे, और परमात्मा आकर के हमें वो सारे वही ज्ञान देते हैं जिससे ये ज्ञानी बने, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जीव यहां से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी रुचि ही नहीं बनती।